फास्ट ट्रेन चलती थी, भारत दर्शन ट्रेन, आस्था सर की ट्रेन, जो पिछले फिनेंशियल ईयर हमने 9 ट्रेनें चलाई थी और जो काफ़ी हिट था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस साल कोविड के कारण हम लोग नहीं चला पाए, लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, सितंबर अक्टूबर महीने में भी डिमांड आई थी, लेकिन कोविड के कुछ प्रोटोकॉल के कारण हम लोग नहीं चला पाए थे और काफ़ी डेस्टिनेशन खुली नहीं थी, मंदिरें बंद थी, इसलिए नहीं चला पाए थे। फिर दिसंबर में भी काफ़ी था, तो उसके बाद इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय हम लोग नहीं कर पाए। बट अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार हैं और इस बार हम 31 जनवरी को हम ट्रेन लेके जा रहे हैं और ये 13 रात और 14 दिन की पूरी यात्रा होगी, 13 नाइट और 14 डेज की पूरी रात यात्रा होगी। ये 31 तारीख को ये ट्रेन जो है ये रक्सौल से खुलेगी। इस ट्रेन में जो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे, पहले उसके बारे में बताते हैं, भ्रमण स्थल जो जो है, एक तो हम लोग तिरुपति जाएंगे, जो कि उसके बाद हम लोग रामेश्वरम जाएंगे, मदुरई जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग त्रिवेंद्रम जाएंगे और फिर हम आते समय पुरी भी जाएंगे। तो ये पूरा जो साउथ इंडिया का जो भी मेजर डेस्टिनेशन है कवर कर रहे हैं एक बार में, और चूंकि उस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा रहेगा, हम लोग मकर संक्रांति के बाद, इसलिए हमने प्रोग्राम को प्लान किया है कि लोग संक्रांति के बाद नए साल में आगमन करते हैं और सब लोगों का ये उस समय दर्शन करने की काफ़ी वो रहती है और काफ़ी हमें डिमांड भी इस ढंग से आया है कि आप उस समय करें। तो ये 31 जनवरी से ये यात्रा स्टार्ट होगा। ये जो ट्रेन की जो बोर्डिंग स्टेशंस हैं वो है रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोकामा, क्यूल, आसनसोल, पटना जंक्शन। तो ये पटना होते हुए, ये मोकामा, क्यूल, आसनसोल होते हुए ये साउथ में जाएगी। तो ये सब जगह पे लोग बोर्ड हो सकेंगे और इन्हीं सब जगह पे लोग डिबोर्ड भी, जब वापस आएंगे तो डिबोर्ड। अब जो फैसिलिटीज़ होती है इसमें क्या होता है कि हम टिकट तो देते ही हैं, कंफर्म टिकट पूरी ट्रेन होती है जो कि साथ में जाते हैं सारे, इसमें पैसेंजर जो होते हैं घूमने वाले पैसेंजर होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि इसमें खाना पीना जो भी है वो अनलिमिटेड होता है, फ्री होता है खाना, उसमें इंक्लूड होता है जो टिकट, जो पैकेज की कॉस्ट है उसमें खाना और तीनों टाइम का खाना, फिर नाश्ता, चाय, ये इंक्लूड होता है। उसके अलावा इसमें क्या है, टिकट के खर्च इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद एकोमोडेशन, जहाँ पे आप रहने का जो हम व्यवस्था करेंगे वो भी इसी पैकेज कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है और ये हम जो है, चूँकि भारत सरकार इसको चाहती है कि टूरिज़्म को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाया जाए और कम लागत में, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज रेट में इस ट्रेन को चलाती है, तो इसकी लागत काफ़ी कम है। अगर इसकी तुलना, अगर सेम एटनरी की तुलना अगर आप मार्केट से करें तो कम से कम 4 गुना ज़्यादा होगा मार्केट में, जो हम इससे कम ये पैकेज है। तो जो ये पैकेज का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 13,230 रुपये, हाँ ये है 13,230 रुपया, 13,230 रुपीस प्रति व्यक्ति। तो इसमें खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ठीक है, दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का ही है। उत्तर भारत के लिए भी कोई आपके पास? हाँ, ये हम लोग हर, आप अगर पिछले साल भी देखें तो हमने 9 ट्रेनें चलाई थी अलग अलग डेस्टिनेशन से, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। तो ये पैकेज आते रहे, अभी हम साउथ में जा रहे हैं, फिर नॉर्थ में जाएंगे, तो हम पूरे इंडिया का भ्रमण कराते हैं ट्रेनों के थ्रू। और इस पूरे ट्रेन में और क्या सुविधा होती है, डॉक्टर्स होते हैं उसमें, ऑन बोर्ड डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ऑन बोर्ड ही उनको चेक करते हैं, तो ऑन बोर्ड डॉक्टर की फैसिलिटीज़ हैं। खाना पीना में भी अनलिमिटेड होता है, आप जितना खा सकें, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं होता खाने पे, तो आपको जितना खाना है आप उतना खा सकते हैं। उसके बाद जो एकोमोडेशन होता है वो अपना या तो धर्मशाला दिया जाता है या फिर ट्विन बेडेड रूम दिया जाता है, इस ढंग से एकोमोडेशन दिया जाता है। तो हिडन चार्ज ड्यूरिंग ट्रेवल? कोई हिडन चार्ज नहीं है, गवर्नमेंट की पैकेज है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा है, इसमें कोई हिडन चार्जेज नहीं है। और अगर आप देखेंगे 13,230 रुपये में 13 रात 13 रात और 14 दिनों के अगर आप जोड़ें तो ये मतलब 900 रुपीज़ पर दिन का खर्च आता है प्लस GST। 900 रुपीज़ में आपको खाना पीना, घूमना, ट्रेन टिकट सब कुछ है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मार्केट में से इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। ये अलग चीज़ है, ये गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना और हमारी हर ट्रेन फुल जाती है। तो बुकिंग स्टार्ट हो गया है और हम लोग, आप लोग के माध्यम से ही लोगों को बताते हैं। ये जन कल्याण योजना है,
और ये कोई हमारा बिजनेस अर्न करने की चीज़ नहीं है, हमें मैक्सिमम लोगों को घुमाने का, हमारा अवेयर करने का, और मैक्सिमम लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको घुमाने का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहता है। और हमने देखा है कि पहले तो ओल्ड एज के लोग जाते थे, लेकिन अब तो यंग लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जो नई नई मैरिजेज होते हैं वो लोग जाते हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए, तो हमारा क्लाइंटल भी काफ़ी बढ़ा है। और पिछले साल हमने जो 9 ट्रेनें चलाई थी वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चलाई थी, और एक ट्रेन की ऑक्यूपेंसी करीब करीब 800 लोगों की होती है, तो समझ ले कितने लोग हम लोगों ने ट्रेवल कराया है पिछले साल। और हम चाहते हैं, अच्छा दूसरी बात है, कोविड को लेके भी हमने जो भी प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो होंगे उसमें, ताकि उसकी भी कोई चिंता नहीं करना है। मास्क और सैनिटाइजर ये सब फ्री है, आइसोलेशन के लिए एक कोच एक्स्ट्रा रखा गया है, तो इस सब के लिए भी कोई चिंता नहीं करना, हमने जो भी प्रोटोकॉल फॉलो होना है वो सारे फॉलो करेंगे, और बिल्कुल सुरक्षित है, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं हमारे साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।